हमारे पास एक क्लाइंट आए, हस्बैंड वाइफ। इन्होंने एक नया 4 BHK घर खरीदा गौर सौंदर्यम नोएडा में। एक बहुत बड़ी सोसाइटी है गौर्स की, और यहाँ पर उन्होंने एक 4 BHK खरीदा और सोचा कि अब मुझे इस घर को ना बहुत एक्साइटिंग बनाना है। अब वो कंफ्यूज भी हो गए, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि हम इसकी स्पेस प्लानिंग कैसे करें। बड़ा तो है घर, पर इसके अंदर सामान कैसे रखें? हमारे पास बहुत सारा सामान है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी नहीं आने वाली हैं, तो क्या करें? तो हमारे पास आए और उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने उस घर में ऐसा क्या किया कि जो डिटेल प्लानिंग से, डिजाइन से और एग्जीक्यूशन से आपको दिखने लगेगा। हाय, मेरा नाम शशांक जैन है और वेलकम टू आवर चैनल वुडोफा। तो अभी मैं आपको ना सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्लान के बारे में बात करूंगा कि ये एग्जिस्टिंग प्लान है जो बिल्डर की तरफ से हमें मिला। तो हमने इस प्लान को क्या किया, इधर मेजरमेंट्स किया, तो ये हमने खुद बनाया। ये अपार्टमेंट बिल्डर ने हमें दिया था, अब इसको हमने खुद मेजर किया एक एक आइटम। तो जैसे ये मेन एंट्री है, तो यहाँ से एंट्री से लेके हर छोटी से छोटी वॉल कॉलम साइजेस को हमने खुद मेजर किया, जिससे कि हमें पता लगे एग्जिस्टिंग में अभी अपार्टमेंट है किस तरीके का। तो अब मैं आपको घर की थोड़ी एंट्री समझाता हूँ। ये मेन एंट्री है, यहाँ से आपने एंट्री किया, ये वो फॉयर वाला एरिया है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये एक बेडरूम है जिसको हमने गेस्ट बेडरूम बोला, और ये गेस्ट बाथरूम है, एक बाथरूम है यहाँ पर। ये लिविंग डाइनिंग का स्पेस है, ये अभी किचन है जो यहाँ पर घर में इस करंट स्टेट में आप देखिएगा, ये दीवार है, ये दीवार है, यहाँ पर ये पूरी वॉल्स बनी है। ये रास्ता है बाहर यूटिलिटी में जाने के लिए, तो यहाँ से लोग बाहर जा सकते हैं। ये सर्वेंट रूम है, सर्वेंट रूम की एंट्री है, यहाँ से लोग सर्वेंट रूम से भी बालकनी में जा सकते हैं। तो ये इस तरीके से बिल्डर ने इसको बना के दिया था। ये स्पेस है, ये एक बेडरूम है, ये एक बेडरूम है, और ये एक बेडरूम है। इसके अंदर आप देखिए, यहाँ पर हम एंटर करते हैं तो ये एक वॉल है यहाँ पर जो बनी हुई है, ये वॉल बनी हुई है ऑलरेडी। ये एक बेडरूम का फील है इधर, ये बाथरूम है इस बेडरूम का, इस बेडरूम का बाथरूम ये है, थोड़ा सा छोटा है। इस बेडरूम का बाथरूम ये है, यहाँ पर इसी लॉबी से हम एंटर करते हैं। इसके अंदर आप ये देखिए, इन्होंने ड्रेसिंग का एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पर भी एक वॉल है और यहाँ पर भी एक वॉल है। ये एग्जिस्टिंग प्लान था। अब हम दूसरे प्लान की बात कर रहे हैं कि अब हम जब रिक्वायरमेंट्स हमारी डिस्कशन हो गई, जब एक चीज़ फाइनल हो गई कि अब हमें करना क्या है, तब हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी चीज़ को तोड़ना है और कौन सी चीज़ को रखना है। अब यहाँ तक आते आते हमारे हर बेडरूम्स की अपना एक नाम बन जाता है, हर बेडरूम्स की अपनी एक स्पेस बन जाती है कि कौन सा बेडरूम किसको दिया गया है घर में। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, ये मेन एंट्री है घर की, इस तरीके से हमने यहाँ पर एंट्री किया। ये लिफ्ट लॉबी है यहाँ से जो हम आ रहे थे, और यहाँ पर ये एक मेन वॉल है फ्रंट की, यहाँ से घर में एंटर किया, इसको हमने फॉयर बोला। ये बाथरूम को डिमोलिश कर दिया, तो हमारा डिस्कशन हुआ रेड में जो जो चीज़ें मार्क्ड है मतलब डिमोलिश, ग्रीन में जो जो चीज़ें मार्क्ड है मतलब वो बननी है। तो ये एक वॉशरूम हमने इसको डिमोलिश करा, देन ये कॉलम्स थे इनको छेड़ नहीं सकते थे, इस वॉशरूम को डिमोलिश किया, इस वॉशरूम को डिमोलिश किया, इस वाले बाथरूम को भी डिमोलिश किया, और जो आप ये वाली दिख रहे हैं इनको भी हमने डिमोलिश किया। ये एक्स्ट्रा वॉल थी जो कि इस मास्टर बेडरूम में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही थी, तो हमने क्या किया, इस वॉल को हटा दिया, तो ये बेडरूम थोड़ा और बड़ा बन गया। तो यहाँ तक आते आते हमें ये क्लियर होने लगा था कि ये मास्टर बेडरूम है, ये पेरेंट्स बेडरूम है, ये किड्स बेडरूम है, और ये गेस्ट बेडरूम है। तो इसको बेडरूम मैपिंग्स बोलते हैं, तो हमने बेडरूम मैपिंग यहाँ पर कर दी, तो हमें ये क्लैरिटी होने लगी कि किस बेडरूम में कौन रहेगा, किस बेडरूम में किस स्पेस को कैसे प्लान करना है। तो जो ये रेड आप देख रहे हो, तो हमें लगा कि ये वाली वॉल हटा देते हैं मास्टर बेडरूम से, और ये थोड़ा एरिया बड़ा हो जाएगा और ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। पेरेंट्स बेडरूम में भी एक वॉल थी, हमने ये भी हटा दी कि जिससे कि थोड़ा ये भी ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम हो जाए और बड़ा बड़ा दिखे। अब आता है किचन, किचन में बहुत मेजर मॉडिफिकेशंस हमें करनी पड़ी। एक तो हमें ये एक्स्ट्रा वॉल थोड़ी क्रिएट करी हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ आने वाला है एलिमेंट, उसके लिए हमने ये वॉल क्रिएट करी। ये ऑलरेडी बाहर जाने का रास्ता था, इसको हमने तोड़ दिया, तो जैसे ही रास्ता टूटा ये किचन और ये बालकनी दोनों एक ही पार्ट बन गई, और ये बालकनी एक्सटेंडेड किचन बन गई। तो ये निकलते ही ये पूरा एरिया एक ही एरिया बन गया, तो आप ये देखते हो कि ये पूरा ही एक किचन का पार्ट बन गया और ये पूरी किचन एक बन गई यहाँ पर।
दिस इज द किचन वी वर प्लानिंग फॉर द न्यूअर हाउस. तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि डिमोलिशन में हमने कैसे उसको डिमोलिश किया, कौन कौन सी चीज़ों को हटाया, कौन कौन से वैल्यूज को दोबारा बनाया, ये आपको इस प्लान में क्लियर हो जाएगा. अब मैं आपको तीसरा प्लान दिखा रहा हूँ इसका, कि ये मेन प्लान है, इसके बेसिस पे पूरा घर बनता है. तो दिस इज कॉल्ड एज फर्नीचर प्लान, इसको बोलते हैं फर्नीचर लेआउट और फर्नीचर प्लान. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान होता है, क्योंकि इसके अंदर वो सारा डिस्कशन हुआ होता है कि नया चीज़ बनेगी तो किस साइज की बनेगी, किस किस एरिया में क्या क्या प्लानिंग आएगी. ये इसकी रिजल्ट है इस पूरे फर्नीचर प्लान का, यहाँ से ये एंट्री है. तो हमने यहाँ पर आके डिसाइड कर लिया कि ये एक शू रैक बनने वाला है, और ये यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन हम डालेंगे इस वॉल पे, यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया. उसके बाद हमने एंट्री की, तो हमने इस बाथरूम के डोर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, क्योंकि बाथरूम रीडू कर रहे थे जैसे कि हमने पिछले प्लान में डिस्कस किया, तो ये बड़ा कर सकते थे तो हमने इसको बड़ा कर लिया. यहाँ पर WC लगी और यहाँ पर बेसिन बना, यहाँ पर बेडिंग बना. तो ये सब प्लानिंग हमारी इसी लेआउट में डिस्कस हो गई. हमने एंट्री किया तो ये लिविंग रूम और डाइनिंग रूम का स्पेस है कि आप देख सकते हैं, यहाँ से आप एंट्री कर रहे हो तो ये अंदर जा सकते हो इधर भी और इधर भी. तो इधर गेस्ट बेडरूम है, ये हमने गेस्ट बेडरूम पिछले प्लान में मैंने आपको बताया कि मार्किंग हो गई थी लेआउट्स की. तो ये गेस्ट बेड, इसकी अभी बेडरूम की डिटेलिंग में अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कि हर बेडरूम में डिटेल क्या क्या हमने करी. पहले लिविंग रूम और किचन को समझ लेते हैं थोड़ा सा. अब जैसे एंट्री किया तो यहाँ पर ये एक वॉल बैक पैनल बनाया और उसके साथ ही ये एक हिडन डोर बना दिया. तो यहाँ पर वो डिसाइड किया, ये एक 4-सीटर सोफ़ा है जो कि उनकी रिक्वायरमेंट थी 4-सीटर सोफ़ा डालने की. यहाँ पर एक बेंच है और यहाँ पर दो चेयर्स हैं, ये दो पूफीज हैं और ये एक सेंटर टेबल है. तो इस पूरे एरिया को यहाँ आइटम बाय आइटम मेजर करा कि कितना कितनी जगह पर क्या आएगा और कैसा लगेगा अंदर जब मैं एंट्री करूँगा, तो सोफ़े और पूफी के बीच में कितनी स्पेस होगी, चेयर और सोफ़े के बीच में कितनी स्पेस होगी, अगर चेयर हटा के हमें कभी बालकनी में जाना हो यूज़र को यहाँ से तो कैसे जाया जा सकता है, ये सब कुछ हमने इस लेआउट पर प्लान किया. देन इसी में यहाँ पर डाला कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्टीशन आएगा जो इस एरिया को डिवाइड करेगा. ये क्रॉकरी यूनिट बना कि यहाँ पर एक क्रॉकरी यूनिट बनाएंगे एंड टू एंड, इस वॉल से लेके इस वॉल तक ये पूरा क्रॉकरी यूनिट बनेगा. ये डाइनिंग टेबल है जो कि सेंटर में है, ना इस दीवार पे है ना उस दीवार पे है, तो ये हमने यहाँ पर मार्क करी. यहाँ पर ये चीज़ मार्क करी कि यहाँ पर एक वॉश बेसिन बनेगा जिससे कि ये कॉमन एरिया कॉमन गेस्ट के लिए यूज़ कर सके. तो यहाँ पर एक बेसिन का एलिमेंट और उसके प्लग पॉइंट्स बनेंगे. इसी प्लान में हमने डिस्कस किया कि ये मंदिर है, एक पूजा यूनिट, एक छोटा सा नीश बन रहा है, तो इसको हम मंदिर की तरह पूजा यूनिट की तरह डिफाइन कर सकते हैं. देन ये किचन है, जैसे कि आपने पिछले प्लान में देखा कि किचन पहले यहाँ तक थी, वो टूट गई, वो किचन बड़ी बन गई. तो आप देख सकते हैं कि किचन काफ़ी बड़ी है, अब काफ़ी बड़ी हो गई है. ये किचन की मेन एंट्री है, यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है, इधर सिर्फ फ्रिज है और ये पूरा किचन का काउंटर है. यहाँ पर टॉल यूनिट्स हैं और ये बाहर जाके कहीं पर एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी सिंक बन जाता है अलॉन्ग विद अ डिशवॉशर, और ये बालकनी में जाने का रास्ता बन जाता है इसी जगह से. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे आप एंट्री करते हैं पूरी किचन आपको बड़ी दिखती है, फ्रिज दिखता है, एक छोटा वेजी सिंक दिखता है, एक पूरा काउंटर दिखता है और आगे के टॉल यूनिट्स एंड डिशवॉशर दिखते हैं. तो जो यहाँ से सर्वेंट रूम की एंट्री थी ये हमने बंद कर दी और ये सर्वेंट रूम को एक्सेबल बाहर से ही एक्सेस हो गया और बाहर से ही ये लोग चले गए. तो अंदर से अभी कनेक्टेड नहीं है, किसी को अंदर जाना है तो यहाँ से घूम के जा सकता है. तो ये एक बेसिक यहाँ पर यूज़र फ्लो था इस पूरे घर का. बाकी ये किड्स बेडरूम है तो इसके बारे में अभी डिटेल हम बाद में करेंगे. ये मास्टर बेडरूम है, इसके बारे में भी डिटेल करेंगे, और ये पेरेंट्स बेडरूम है, इसके बारे में भी डिटेल करेंगे. इन सारे रूम्स के अंदर हम छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, हमने कैसे कैसे उसको प्लान किया और क्या सोच के उसको डाला. यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको देखना चाहिए, क्योंकि अपार्टमेंट है और ये अपार्टमेंट जनरली हाइटेड फ्लोर्स पे होते हैं तो ये बहुत अच्छा व्यू आता है. तो ये सारे स्लाइडिंग UPVC के डोर विंडोज़ हैं, हमने थोड़ी सी जगह बड़ी करने के लिए इसको आगे पुल कर दिया. पहले ये यहीं तक थे, यहाँ तक इनकी वैल्यू आ रही थी और ये हमने इसको थोड़ा आगे कर दिया. आगे करने से हमें ये एक्स्ट्रा स्पेस मिल गई रूम के अंदर और ये थोड़ा रूम भी बड़ा बड़ा लगने लगा. सिमिलरली हमने मास्टर वाले में भी किया, ये पहले यहीं तक था तो इसको भी हमने थोड़ा बाहर कर दिया, तो स्लाइडिंग डोर विंडोज़ बाहर हो गए. ये उसकी खिड़की है फॉर द वॉशरूम और ये भी हमने बाहर कर दिया विच इज़ द किड्स बेडरूम. तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि पूरी स्पेस, ये ऑलमोस्ट इतनी बड़ी स्पेस जो आप सोच सकते हैं 2 फीट के करीब की स्पेस है, ये हमें एक्स्ट्रा मिल गई हर रूम में. तो रूम भी आपके बड़े बड़े हो गए. पर ये हमने इस घर में किया, ज़रूरी नहीं है हम हर घर में करें, डिपेंडिंग अपॉन क्लाइंट का बजट एंड रिक्वायरमेंट ये किया जाता है.
अगर क्लाइंट सेटिस्फाई होता है, उसे लगता है कि मेरी स्पेस बढ़ सकती है और उससे कुछ फायदा होगा, तो हम उसे जरूर एक्सटेंड करा देते हैं अगर पॉसिबिलिटी है। तो ये एक पूरा फर्नीचर प्लान है इस घर का, और हम इसकी अब डिटेल करेंगे इन द टर्म्स ऑफ रूम्स। तो मैं आपसे पहले रूम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एंट्री करते ही पहला रूम है, इसको हम बोलते हैं गेस्ट बेडरूम। तो इसका लेआउट ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि ये इस बेडरूम में एंट्री किया, यहाँ पर वो आपका लिविंग रूम था और आपने इस बेडरूम में एंट्री की। तो हमने क्या किया, ये जैसे कि डोर को हिडन कर दिया विद द पैनल, जो बाहर पैनल बना उसके साथ, तो ये एक्सेसिबल हो गया। यहाँ से हमने एंट्री करी और ये एक एंट्री बन गई गेस्ट बाथरूम के लिए भी। यहाँ पर ही इसका बाथरूम है, तो लोग अगर इसे कॉमन बाथरूम की तरह यूज़ करना चाहें, गेस्ट बाथरूम की तरह यूज़ करना चाहें, तो भी कर सकते हैं। तो ये एंट्री से आप बाथरूम में चले जाएंगे, और बाहर से भी अपने पिछले प्लान में देखा था कि यहाँ से भी ये एक्सेस है जो कि बाहर जाया जा सकता है। अगर कोई गेस्ट है आपके घर में तो उसको भी आप भेज सकते हो, एंड दे कैन यूज़ द वॉशरूम ऑल्सो। तो ये दोनों एंट्रीज यहाँ पर इस एरिया के लिए बन गई। अब इस बेडरूम की मैं बात करूँ, तो ये बेडरूम के अंदर हमने क्या किया, ये एक वार्डरोब बनाई यहाँ पर, एक अच्छा खासा स्पेस हमने इसको यूज़ कर लिया वार्डरोब के लिए। ये हमने एंट्री करते लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरा टीवी यूनिट बना लिया, एक बहुत अच्छा टीवी यूनिट बना अलोंग विद द ड्रेसर। तो यहाँ पर ये एलिमेंट पे हमने ड्रेसर प्लान कर लिया जो कि बेड के साइड में है। तो ये जो कॉर्नर बना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पहले डोर विंडो यहाँ तक थी, अब ये जब एक्सटेंड हो गई और ये एक्सटेंड होकर यहाँ तक पहुँच गई, तो हमारे पास ये स्पेस ऐड हो गई। ये स्पेस ऐड होते ही हमने एक बहुत अच्छा एलिमेंट डाला और ऑप्टिमाइज कर दी, इसको हमने एक पूरी वार्डरोब बना दिया। ये एक एल कॉर्नर वार्डरोब बन गई, जो एक बहुत अच्छा स्पेस स्टोरेज का इस बेडरूम में क्रिएट कर दिया। और यहीं एक छोटा सा सेक्शन साइड टेबल के लिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर बेड में साइड टेबल नहीं आ सकती थी, तो वार्डरोब के अंदर ही हमने एक साइड टेबल प्लान कर दी। और इस तरफ साइड टेबल ऑलरेडी बेड के साथ आ सकती थी, तो यहाँ पर हमने एक बेड की साइड टेबल लगा दी। तो ये पूरे गेस्ट रूम की प्लानिंग थी। इसके अंदर आप देखिए तीन मेजर एलिमेंट्स पूरे हो गए, टीवी आ गया, ड्रेसर आ गया, दो वार्डरोब्स आ गई जो कि जनरली रूम में पॉसिबल नहीं हो पाता, एंड देन एक बेड आ गया। तो ये इस तरीके से हमारा एक गेस्ट बेडरूम इन टर्म्स ऑफ टोटैलिटी कंप्लीट हो गया। सो अब मैं आपको ऑलरेडी गेस्ट बेडरूम एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो लेट्स मूव टू द मास्टर बेडरूम। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। तो ये बेडरूम है, हम लॉबी से एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा डाइनिंग लॉबी है, ये डाइनिंग एरिया है। यहाँ पर इस एरिया से हमने एंटर किया। आपको याद होगा कि मैंने पिछले डिस्पेंडिंग प्लान में दिखाया था कि यहाँ पर एक छोटी सी वॉल थी इधर की तरफ, तो हमने वो वॉल को ब्रेक करके इसको पूरे को एक बेडरूम बना दिया। अब आप देखिए पूरे बेडरूम की लुक एंड फील कितनी अच्छी लग रही है। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो तो आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है पूरे बेडरूम में, तो ये पूरा ही बेडरूम एक एक समान माफिक पूरा का पूरा यूज़ हो पा रहा है और बड़ा भी हो जा रहा है, साइज़ भी काफ़ी बढ़ गया, ड्रेसर एलिमेंट्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे आ गए, वार्डरोब्स भी काफ़ी आ गई, एंड देन टीवी एंड स्टडी का अपना आप में एक एलिमेंट भी आ गया। तो इस बेडरूम के अंदर हमने क्या किया, आपको याद होगा कि ये वाली वार्डरोब को तोड़ते ही, ये वाले वॉल को तोड़ते ही यहाँ पर हमने एक ड्रेसर यूनिट बना दिया। इस ड्रेसर यूनिट के अंदर हमने यहाँ पर मिरर यूनिट लगा लिया और यहाँ पर एक छोटी सी उनको स्टोरेज दे दी फॉर एक्स्ट्रा सामान जो भी वगैरह ड्रेसर का सामान होता है वो रखने के लिए एक स्टोरेज मिल गई। तो ये स्टोरेज यहाँ पर यूज़ हो सकती है, इसका अपना नीचे यहाँ ड्रॉर्स हैं वो यूज़ हो सकता है, और ये पूरा ही यूनिट एक ड्रेसर की तरह काम कर सकता है। तो ये एक पूरा ड्रेसर का यूनिट बन गया। यहाँ से आगे चलते हैं, तो ये एंट्री करते हैं हमने एक पूरी वार्डरोब ले ली। अब ये इंटेंशनली हमने वार्डरोब के अंदर जगह थोड़ी छोड़ी कि ये और ये थोड़ी स्पेस छोड़ दी कि इसको वार्डरोब को सर पे ना लगे और बड़ा ना लगे। ये काफ़ी बड़ी वार्डरोब है, ऑलमोस्ट 12 फीट की वार्डरोब है, 12 फीट बाय हाइट, क्योंकि गौर सौंदर्य में बहुत अच्छी है, तो 10 एंड हाफ फीट की सीलिंग हाइट है। तो सोचिए कितनी बड़ी वार्डरोब का सेक्शन आपको ये यहाँ पर मिल गया। ये पूरी वार्डरोब हमने स्लाइडिंग बनाई, ये सोचते हुए कि हमें और स्पेस कमरे में मिल जाएगा, हमें और थोड़ा कमरा बड़ा बड़ा लगने लगेगा। ये फोर वे स्लाइडिंग है, इसको जब मैं बाद में आपको दिखाऊंगा डिटेल डिज़ाइन में तो आपको समझ में आएगा। तो ये चारों तरफ से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने एंट्री की, अब ये सामने आपका बेड आ गया, ये एक साइड टेबल है, यहाँ पर एक साइड टेबल है, तो दोनों तरफ बेड बैक में साइड टेबल्स हैं इधर और इधर, और तब भी इनफ स्टोरेज और स्पेस आपको खड़े होने की, जाने की, आने की मिल जाती है। इसी बेडरूम में हमने यहाँ पर ही टीवी यूनिट को प्लान किया अलॉन्ग विद स्टडी, तो ये एक स्टडी यूनिट भी बन गया यहाँ पर।
जिससे कि बड़ा तो लग रहा है और वो यूज भी हो पा रहा है। तो टीवी प्लस स्टडी को अगर आप कॉम्बिनेशन बना दें यूनिट को टुगेदर, तो वो एक अच्छा बड़ा यूनिट बन जाता है और आपको रूम में स्पेस भी मिलने लगता है। तो आप देखिए ये कितना बड़ा स्पेस आपका रूम में खाली हो गया फॉर मे बी कीपिंग सम एक्स्ट्रा चेयर्स मे बी, या इसको खाली छोड़ सकते हैं या कुछ भी। इसके अंदर भी यहाँ पर एक एलिमेंट था, हमने आपको बताया था अभी, तो वो एलिमेंट भी तोड़ के जब हम इसको बाहर आगे लेके गए तो ये इसके अंदर भी हमारे को 2 फीट की स्पेस एडिशनली मिल गई। तो ये स्पेस मिलते ही हमारा ड्रेसर और जो साइड में टीवी यूनिट है और जो स्टडी यूनिट है वो ऐड हो गया, बढ़ गया। तो ये प्लान हमने किया मास्टर बेडरूम में। अब हम बात कर लेते हैं वॉशरूम के बारे में। तो उसके वॉशरूम को भी हमने पूरा रीडू किया। इसके अंदर ये गेट बनाया, पहले ये गेट यहाँ था जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब इसको हटा दिया, दीवारें वगैरह जब हट गई तो ये गेट अंदर हो गया, ये एरिया बड़ा बन गया और यहाँ पर वॉश बेसिन आ गया, यहाँ पर WC आ गई और यहाँ पर बेडिंग एरिया आ गया। तो एक ही वॉल पे आप देखेंगे कि सारे प्लम्बिंग पॉइंट, सारे फिक्चर्स सब एक ही वॉल पे रीडू हो गए। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमारा स्पेस एक ही वॉल पे यूज़ हुआ और ये पूरी वॉल हमें इस बाथरूम में, ये आप पूरी वॉल देख सकते हैं, खाली मिल गई। उससे हमारा वॉशरूम भी थोड़ा बड़ा बड़ा लगने लगा। अब मैं आपको तीसरा बेडरूम दिखाने वाला हूँ। अभी हमने गेस्ट कर लिया कवर, मास्टर बेडरूम कवर कर लिया, अब हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स बेडरूम की। इस बेडरूम में हमने क्या किया, डाइनिंग एरिया से आप एंटर करते हो सामने ही ये पेरेंट्स बेडरूम है। तो इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस थे। ये इसकी मेन एंट्री है फॉर द पेरेंट्स बेडरूम, आप देख सकते हैं। और ये बेडरूम अपने आप में काफ़ी छोटा है इन टर्म्स ऑफ साइज, और इसके अंदर एलिमेंट्स सभी कुछ चाहिए थे। मतलब आप सोचिए कि अगर 15 फीट की वार्डरोब बनानी है तो कैसे बने, छोटा सा तो एक रूम है। बेड साइज भी पूरा किंग साइज है, 6x6.5 का साइज है। टीवी यूनिट भी चाहिए, वार्डरोब भी चाहिए। तो इस सारे एलिमेंट्स इसके साथ कैसे फिल्टर हों, मतलब कैसे बने, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा था। तो हमने एक चीज़ डिसाइड करी वाइल डूइंग द डिज़ाइन, इनिशियल डिस्कशन में हमने क्लाइंट्स को भी बताया कि हम एक काम करते हैं, हम ना बेड को इस वाली वॉल पे प्लेस करते हैं, टीवी को इधर प्लेस करते हैं और यहाँ से सारे यूनिट्स हटा देते हैं और यहाँ पर पूरी वार्डरोब लेते हैं। तो जैसे आप एंट्री करते हो तो हमने एंड टू एंड पीछे से लेके आगे तक पूरी एक वार्डरोब ले ली, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा साइज़ है। मतलब अबाउट 18 फीट की वार्डरोब आप समझते हैं, काफ़ी बड़ी वार्डरोब है, इस पूरे रूम में हमने यूज़ कर ली। देन इसके साथ साथ जो यहाँ पर दीवार थी उसको तोड़ दिया। आपको याद होगा मैंने डिस्पेंडिंग प्लान में दिखाया था कि एक छोटी सी दीवार थी यहाँ पर, हमने अपना टीवी को अपने बेड के सामने प्लान किया और इसको एज अ वार्डरोब ही एक्सटेंड कर दिया पूरा। तो पूरा यूनिट एज अ वार्डरोब बन गया। एंट्री करने के तुरंत बाद, मतलब आप जब लेफ्ट मुड़ेंगे तो आपको बेड मिल जाएगा, बेड के साथ उसकी अपनी साइड टेबल मिल जाएगी विच इज़ ऑल्सो इन गुड साइज़। ये हमने ऑलमोस्ट 14-15 इंचज़ की हमने ये साइड टेबल ले ली। उसके बाद जो जगह बची उसमें एक बड़ा बेड लगा दिया, उसके साथ बेड का बैक पैनल जो हमने क्विल्टेड पैनल है वो बनाया यहाँ पर। देन सामने जितना बेड था उसकी एग्जैक्टली मैप करते हुए हमने पूरा का पूरा यहाँ पर एक टीवी यूनिट प्लान कर लिया। अब जैसे ही इस ड्रेसर एरिया में एंटर करते हैं तो सामने हमने यहाँ पर एक लुकिंग मिरर लगा दिया इधर, उसके बाद ये इसका अपना बाथरूम आ गया। तो इसके बाथरूम को भी हमने रीडू किया पूरा, यहाँ पर इसका बेसिन बनाया, यहाँ पर इसकी WC और यहाँ पर इसकी बेडिंग। तो इस तरीके से इसको हमने डिवाइड किया। अगेन ये तीनों एक ही वॉल पे आ गए तो हमारा को ये स्पेस जो थी ये थोड़ी खुली खुली मिल गई और थोड़ा वॉशरूम बड़ा लगने लगा। ये इस रूम की प्लानिंग थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। इसके अंदर मैंने घर बनाया कैसे, अपार्टमेंट की शुरुआत इंटीरियर की कैसे हुई, वो सब आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी डिटेलिंग कैसे करी गई। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई इस वीडियो के अंदर, एक एक छोटी छोटी चीज़, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, उसकी प्लानिंग, उसकी नींव, बेसिकली कोई भी घर ऊपर तब बनता है या कोई भी अपार्टमेंट का इंटीरियर तब ऊपर अच्छा लगता है जब उसकी नीचे का बेस क्लियर हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा बेस और सब के बारे में बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर हमारे से कॉन्टैक्ट करें अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं।